आज हम बॉलीवुड जर्नी में लाए हैं एक ऐसे अभिनेता जो बहु प्रतिभा के धनी हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जो फिल्मों में डायलॉग्स भी लिखते हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं और एक बेहतर अभिनेता भी। इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीयूष मिश्रा की। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। Hi students, my name is Piyush Mishra and I'm an artist. इनका जन्म 13 जनवरी 1963 में ग्वालियर में हुआ और वहीं से इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए इन्होंने 1986 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में दाखिला लिया। पीयूष मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। उन्होंने थिएटर निर्देशक, अभिनेता, गीतकार और गायक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। 2002 में वो मुंबई गए और फिल्म मकबूल से उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। अब जो कहा जाए वो किया कर, समझा? ठीक है, तो तू भी जा उसके साथ। मेरे सामने शर्म आएगी उसे गोली मारने में। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीवार 2004। मेजर, क्या फायदा सबका? वो बच नहीं पाएगा मेजर, वो अकेला है, बेसहारा है और निहत्था है। और सब क्यों मेजर? वो भी उस मुल्क के लिए जो कि ऑलरेडी आपको बुला चुका है। 1971, गुलाल में उनके अभिनय की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। आज भी उनके अभिनय और गायकी की प्रशंसा की जाती है। खाने आने पर लिखा है खाने वाले का नाम, खाने खाने पर लिखा है पचाने वाले का नाम है सेल है, सेल है। तेरे बिन लादेन, ये सोसाइटी जैकेट जिस पर खुद शेख उसामा के दस्तखत है, सबसे उम्दा खिलाड़ी को मिल ली थी, लेकिन अफसोस तुम से कोई भी इसके लायक नहीं निकला। जनाब, मुझे एक मौका दे। लफंगे परिंदे, लाहौर, रॉकस्टार, रिवॉल्वर रानी, तमाशा, उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी भला कौन भूल सकता है। ये वासेपुर की कहानी थोड़ी टेढ़ी है, बाहर से देखो तो सीधे साधे लोगों की बस्ती है वासेपुर, और अंदर आओ तो एक से एक बढ़कर रामजादे उसमें छुपे बैठे। हैप्पी भाग जाए में उन्होंने अपने कॉमिक रोल से सबको खूब हंसाया। अच्छा, एक बात बता कैलुल्ले, ये म्यूजिक को उर्दू में क्या कहते हैं? मौसिकी। तेरी मार, मौसिकी गाली देता है? आप फिर नहीं समझे, गाली नहीं, आपने म्यूजिक की उर्दू पूछती ना, तो उर्दू में म्यूजिक को कहते हैं मौसिकी। और फिल्म पिंक में वकील के रोल से सबको हैरान कर दिया। पीयूष मिश्रा ने बहुत सारी फिल्मों के लिए लिरिक्स भी लिखे हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे, आजा नचले, टशन, गुलाल, लाहौर, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1, पार्ट 2। पीयूष मिश्रा ने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स का भी काम किया है, जैसे द लेजेंड ऑफ भगत सिंह 1971, गजनी, और संजय दत्त और ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ। मैं तो हूँ बैठा मोहस नाम मेरी यादों पुरानी खोया। ये आपके अकाउंट में उनके अकाउंट से ओवर द इयर्स मतलब एक दो साल में हर महीने 25,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब बताएंगे आप? लोन्स लिए हैं मैंने। वही बतवाने वाला था सर कि इन्होंने अब वो लोन्स लौटाने शुरू की हैं, थोड़े थोड़े करके, थोड़े थोड़े पैसे करके, अब यानी कि इस केस के फाइल होने के बाद। आफ्टर ऑल इन्हें मालूम था कि ये बात कोर्ट में लाई जाएगी। शी इज अ प्रोफेशनल एंड शी हैज अ शार्प माइंड। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। टैलेंटेड इंडिया टीम की ओर से पीयूष मिश्रा को उनके आने वाले फिल्मी सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।